हे गाइस, गुड आफ्टरनून। अभी दोपहर हो गए हैं, तकरीबन 11 बज रहा है। आज दोपहर से ब्लॉग बनाने का कारण ये था कि मैं थोड़ा बिजी था घर के काम में, पर्सनल काम कर रहा था घर का, तो इसके वजह से आज लेट ब्लॉग बना रहा हूँ मैं। फ्रेंड, आज है संडे का दिन और हम जा रहे हैं आलमगीर। गुरुद्वारा है एक, काफ़ी लुधियाना में फेमस है, तो आज मैं जा रहा हूँ वहाँ मत्था टेकने के लिए। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको भी आलमगीर गुरुद्वारा कैसा है, उसके बारे में बताते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमें साइकिल से ही जाना पड़ेगा क्योंकि स्कूटी ख़राब है हमारा। गाइस, अभी मैं मेन रोड पे आ गया हूँ और यहाँ तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर है और आज धूप भी बहुत ज़्यादा है। गाइस, अभी 2-3 किलोमीटर दूर चल चुका हूँ मैं, तो काफ़ी गर्मी होने के कारण पसीना वगैरह हो गया, मुझे प्यास भी लग गया है। तो मैं यहाँ रास्ते में एक मोटर था, तो मैं सोचा पानी पी लेता हूँ यहाँ पे। और इस मोटर का कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ पे, कितना छांव है बढ़िया। एकदम ज़बरदस्त। फ्रेंड्स, अभी फाइनली हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारे के सामने और वो जो आप आगे देख रहे हैं वो है उसका मेन द्वार, फ्रंट गेट। बनाते वक्त मेरा ध्यान था वीडियो बनाने में और आगे एक स्प्लेंडर खड़ा था, उससे मेरी साइकिल लड़ गई, तो मेरा साइकिल पंचर हो गया, टायर फट गया है, ये देख सकते हैं आप, हवा निकल गया पूरा। तो अब मुझे ये ठीक भी कराना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आज मार्केट भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, आज दुकानें काफ़ी देखे, फूल की दुकान लगी हैं और भी बहुत दुकानें लगी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, गुरुद्वारे के बाहर ये चारों तरफ दुकानें लगी हुई हैं, यहाँ से आप गिफ्ट वगैरह ले सकते हो, जैसे कि रुमाल हो गया, लॉकेट हो गया, ये सब जो पहनने वाले जेंट्स या लेडीज़ के गिफ्ट वगैरह मिलते हैं यहाँ पे, आप यहाँ से कोई भी ये सब चीज़ें ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी हमने अपना साइकिल जमा करा दिया है और ये हमें पर्ची मिल गया है, दोबारा हम जब वापस आएंगे तो हमें यही पर्ची दे के हमारी साइकिल वापस मिलेगी। और गाइस, दूसरी तरफ उस तरफ जो है मोटरसाइकिल वगैरह जमा किए जाते हैं। नींबू पानी कितने का? 15 दे दो, 20 दे दो। तो देखो, रुमाल कितने का भाई? 20 दे दे यार। आओ, अपने बांध लिया है क्योंकि गुरुद्वारे में बगैर रुमाल के नहीं जाने देते हैं, सर पे कपड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है और इस नियम का पालन भी करना चाहिए सभी को। तो अभी चलते हैं गुरुद्वारे में। गाइस, हमें अपना ये जूता यहाँ जमा कराना होता है
यहाँ जमा करने के बाद हमको एक सिक्का मिलेगा, जूते दोबारा देकर हमें हमारा जूता वापस मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ से हमको पहले अपना पैर धो के साफ करना होता है पानी में, उसके बाद गुरुद्वारे में मत्था टेकने आगे जाना होता है। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं छत में कितना बड़ा पंखा लगा, कितना भारी, लेकिन हवा भी बहुत तेज देता है ये। तो गाइस अभी हमें प्रसाद मिल चुका है और बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है किसी महल से कम नहीं लग रहा देखने में। इसके पिलर वगैरह कितने मस्त बने हुए हैं, देखने में पूरा महल ही जैसा ही दिखता है ये। और गाइस इसके नीचे भी एक और गुरुद्वारा है जो ग्राउंड में है, एकदम ग्राउंड फ्लोर में तहखाने जैसा बना हुआ है अंदर। उसके अंदर भी पूजा पाठ वगैरह होता है, लोग वहाँ पे भी मत्था टेकते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। बहुत ठंडक रहता है वहाँ पे, शांति रहती है बहुत ज़्यादा। तो गाइस अभी आप अंदर का सीन देख सकते हैं कितना अच्छा डिज़ाइन वगैरह किया हुआ, कितना बढ़िया दिखता है। तो अभी हम दूसरे रास्ते से बाहर निकल रहे हैं, बाहर की तरफ दिखाते हैं आपको। गाइस ये है बाहर का नज़ारा, जो सरोवर सामने दिख रहा होगा आपको, वहाँ पे एक तालाब बना हुआ है, तो वहाँ पे भी मत्था टेकने के लिए है। अभी आप देख सकते हैं ये सरोवर है, इसमें पानी भरा हुआ है, लोग स्नान करके फिर वहाँ मत्था टेकते हैं और काम भी चल रहा है यहाँ पे, टाइलें वगैरह लगाई जा रही हैं गुरुद्वारे के अंदर। आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है और यहीं पे मैं बैठा हूँ। गाइस मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इसमें बहुत सारी मछलियाँ जिलाई हुई हैं और कलर वाली भी मछलियाँ हैं, कई रंग तरह की आप देख सकते हैं। इसमें पीली पीली भी मछली पड़े हैं और बहुत ज़्यादा ही तादाद में इसमें मछली। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ लंगर हॉल की तरफ, जहाँ पे लंगर खिलाया जाता है, तो चलते हैं लंगर खाएंगे अभी। Oh, oh, oh.
तो गाइस अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि लोग सेवा कर रहे हैं, बर्तन धो के सेवा कर रहे हैं और इसी तरह ये चलता रहता है। एक लोग आते हैं, दूसरे जाते हैं, तो इसी तरह सेवा चलता रहता है यहाँ पे। और यहाँ आगे आप देख सकते हैं कि लोग रोटी बना रहे हैं, महिलाएं रोटी मिलके, जेंट्स सभी लोग बनाते हैं। गाइस अभी हम वापस जा रहे हैं और हमें साइकिल ये पंचर है इसको ठीक कराना पड़ेगा। तो गाइस अभी हमारा साइकिल ठीक हो चुका है, अब हम जाएंगे घर की तरफ। तो फ्रेंड्स अभी हमें वो सिक्का वापस देना पड़ेगा, उसके बाद हमें हमारा जूता वापस मिल जाएगा। फ्रेंड्स अभी मैं आ गया हूँ घर पे और बहुत ज़्यादा गर्मी था बाहर, बहुत ही ज़्यादा धूप लग रहा था, फिर भी चला के आ गया घर पे। और आपने देखा कि गुरुद्वारे में कितने सारे लोग लंगर खा रहे थे, वहाँ पे सभी बैठ के साथ में, चाहे अमीर हो गरीब हो, सब लोग बैठ के वहाँ खा रहे थे। तो बहुत ही अच्छा लगता है सब देख के। और गुरुद्वारे की ये एक खासियत ये भी है कि वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता, और जो चाहे पैसे वाले इंसान होते या गरीब वाले होते हैं वो सभी सेवा करते हैं वहाँ पे। आपने देखा कि कैसे लोग सेवा करते हैं, बर्तन धो के, खाना बना के और रोटी वगैरह सब पकाते रहती हैं, जो लेडीज़ भी होती हैं। तो इन सब की वजह से वहाँ पे देख के अच्छा लगता है, और जाके वहाँ पे एक सुकून सा मिलता है बैठ के वहाँ पर मत्था टेक के। तो आप लोग भी कभी इधर लुधियाना आए तो आलमगीर जाना ज़रूर देखना, घूमना वहाँ पर। और अगर आप संडे को आएंगे तो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया नज़ारा होगा वहाँ का देखने लायक। फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू।